हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में जो कि दमन दीव टीजीटी और पीजीटी वाले हैं, उनके बहुत सारे डाउट्स थे उनके दिमाग में और बहुत सारे उनके क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, तो उन सभी का सॉल्यूशन देने के लिए मैं आप सभी के सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके जो भी दिमाग में डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था चीज़ें कि कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको, और क्या सिलेबस सेम है टीजीटी पीजीटी का, पार्ट वन पार्ट बी, नेगेटिव मार्किंग, ये सारी चीज़ें आपका इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी टीजीटी वालों का। तो देखिए, टीजीटी वाले जो हैं उनका सिलेबस की बात करूं भाई, तो उनका देखिए दो पार्ट में पेपर होने वाला है उनका, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो पार्ट ए है आपका, वो आपका सेम रहेगा जिसमें लॉजिकल रीजनिंग आएगी, वहीं बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगी, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ जो प्राइमरी अपर प्राइमरी में, वही सेम आप में भी आएगी चीज़ें। टीचिंग एप्टीट्यूड बात करें तो और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आएंगे और जनरल साइंस भी आपके उसमें आएंगी। तो पार्ट ए वाला जो सेक्शन है आपका, वो पार्ट ए का पूरा कंप्लीट नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, आप ज़रूर ले सकते हो उस नोट्स को, आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी में आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और आपका जो जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, जैसे इंग्लिश सेलेक्ट किया होगा, मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया होगा, साइंस सेलेक्ट किया होगा, सोशल साइंस सेलेक्ट किया होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब इसमें पढ़ना कहाँ से है, अगर आपने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो आपको बस केवल 9th और 10th की किताबें, जो टीजीटी वाले हैं, 9th और 10th की किताबें पढ़नी है। अगर ज़्यादा पढ़ने के शौकीन है किताब वगैरह, तो आप महाराष्ट्र बोर्ड या गुजरात बोर्ड की क्लास 9th 10th की भी बुक पढ़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी अगर आप 9th 10th की पढ़ते हो उतना इनफ है आपके लिए। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब बात करूँ तो जो एसएसटी का नोट्स है और साइंस के नोट्स हैं, एसएसटी और साइंस और मैथ के जो कम्प्लीट नोट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, आप लोग ले सकते हो। अभी ऑफर भी चल रहा है इस पर, टीजीटी वालों की बात करूँ तो अभी ऑफर चल रहा है होली वाले दिन तक, मतलब होली वाले दिन तक आप चीज़ों को ले सकते हो 349 में, वरना आपके लिए ये 399 का हो जाएगा पीडीएफ। ठीक है, तो उसमें जिसमें आपका पार्ट ए पूरा कवर हो जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग कवर हो जाएगी, वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा, वहीं बात करें तो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा आपका, और जनरल साइंस कवर हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी पार्ट ए में और पार्ट बी का। तो अगर आप दोनों लोगे तो तब अगर होली के बाद लेते हो तो 399 का हो जाएगा, होली के पहले लेते हो तो 349 का आपको ये मिल जाएगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं पीजीटी वालों की। तो पीजीटी वाले देखिए, पार्ट ए आपके लिए सेम रहने वाला है जो कि टीजीटी में आना है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, वहीं बात करें करंट अफेयर्स और जनरल साइंस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, ये आपके लिए सेम होने वाला है, ये सेम कंटेंट वही रहेगा। तो आप भी पीजीटी वाले भी आप मेरे पास से ये पार्ट ए वाला जो कंटेंट है ये चीज़ें ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी की, जो सब्जेक्ट वाइज होने वाला है। ये आपने मान लीजिए जिन्होंने भी जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक, ये इन सब्जेक्ट में से जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा आप उसको पढ़िए अच्छे से। अब इसकी बात करूँ तो देखिए, आपको 11th और 12th की ही किताबें पढ़नी है, उसके ऊपर की किताबें कुछ भी नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी 11th 12th की ले लीजिए, आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसकी अच्छे से पढ़ डालिए। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नोट्स ही लेना है, मेरे नोट्स ही लीजिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगा, मैं आपको दोनों तरीका बताऊँगा। अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करना चाहते हो वो सबसे बेस्ट होता है, जो आप 11th और 12th की जो एनसीईआरटी किताब है उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, आपका सिलेबस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी सिलेबस बहुत अच्छे से उन्होंने दिया है, उसको आप कवर करिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा नेगेटिव मार्किंग को लेके, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होने वाला है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, और आप एक सीबीटी ऑनलाइन सीबीटी मोड में होगा, नेगेटिव 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें आपको, और 33% आपका पासिंग कट ऑफ होगा। ठीक, लेकिन हमें पाना है उससे ऊपर। तो ये चीज़ें हो गई, आई होप सो कि आपके दिमाग में जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे अब। ठीक है, कहाँ से क्या पढ़ना है, तो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग रखिए, अपने सब्जेक्ट को मजबूत रखिए। मान लीजिए 5 पार्ट है, 10-10 नंबर का एक पार्ट आता है, तो 50 नंबर का पार्ट ए हो जाएगा, 50 नंबर का इंडिविजुअली पार्ट बी आपका होगा, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा। तो पार्ट बी अगर स्ट्रांग रखते हैं आप, अगर आपका पार्ट ए कमज़ोर भी रहता है, वीक भी रहता है, तो भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो पार्ट ए का जो टीजीटी पीजीटी दोनों का,
मेरे पास कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है नोट्स का, एकदम अच्छे से चीज़ें कवर की हैं उसमें, आप ले सकते हो उसको, अच्छे से पढ़ सकते हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं उसमें, बाकी आप नोट्स लेने के बाद खुद ही कर सकते हो। एक चीज़ और बता दूं आपको, अभी अगर लेते हैं आप होली के पहले, तो आपको ऑफ़र है, डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर, आपको 349 का मिल जाएगा, नहीं तो वो कोर्स 399 का आपका हो जाएगा। तो बाकी यही सारी चीज़ें थी मुझे बतानी थी, बहुत सारे लोग कमेंट्स पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे और डाउट पूछ रहे थे इन सब चीज़ों को लेके, सिलेबस को लेके, कहाँ से क्या पढ़ें ये सारी चीज़ें। तो आपको दोनों तरीके मैंने बता दिया, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो TGT वाले 9th-10th की NCERT बुक्स एक अच्छे से रट डालिए, आपका पार्ट ए स्ट्रांग हो जाएगा, और पार्ट बी का आप मेरे से नोट्स ले सकते हो, पार्ट ए वाला सेक्शन, ठीक है। बाकी TGT के लिए मैथमेटिक्स साइंस और सोशल साइंस के अवेलेबल हैं, और PGT के भी अवेलेबल हैं। PGT का स्पेशली मैं देखिए PGT वालों को वो नहीं करता, लेकिन हाँ मेरे मतलब कुछ ऐसे भाई बहन हैं कह सकते हैं कि जो सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी KVS में, PGT में और जगह, तो उनके खुद के नोट्स हैं, मैं उनसे मांग के आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप 8853, मैं नंबर बता देता हूँ आपको, 8853954496, ठीक है, नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8853954496, आप मैसेज इस पर करके आप जो नोट्स है वो ले सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान है चीज़ें, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता कंटेंट। आप NCERT को बस NCERT ही पढ़िए, इधर उधर की चीज़ों में मत परेशान होइए, NCERT पढ़ते जाइए, सेल्फ के नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, आपके सारे क्वेश्चन वहाँ से फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कमेंट, अगर कोई भी आपके दिमाग में अभी डाउट बच गया हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। बाकी नोट्स के लिए मैंने नंबर बता दिया, अभी ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, अगर पार्ट ए पार्ट बी दोनों लेंगे तो आगे चल के वो 399 का हो जाएगा।